बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट ये है कि कुछ भाई बोल रहे हैं कि इकामा फीस सऊदी अरेबिया में, इसके मतलब क्या लेटेस्ट अपडेट रही। कुछ भाई बोल रहे हैं ये इकामा फीस सऊदी अरेबिया में 1 जनवरी से, जो कि 2-3 दिन में बाद स्टार्ट होने वाली है, तो न्यू ईयर, तो इसमें भाई इकामा फीस आधी कर दी जाएगी। कुछ बोल रहे हैं इकामा फीस माफ कर दी जाएगी। कुछ बोल रहे हैं जिनके 2 इकामे खत्म हैं उनको 1 इकामे की फीस माफ कर दी जाएगी। 1 की आप पे करेंगे तो आपका इकामे दोनों रिन्यू कर दिए जाएंगे। तो इसके मतलब भाई कोई कन्फर्म न्यूज अभी तक आई है या नहीं आई है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। उससे पहले मैं आपको नकल कफाले के मतलब बता दूं भाई कि नकल कफाले के मतलब भी एक न्यूज चल रही है कि नकल कफाला जैसा कि मार्च से हो रखा है तो बिल्कुल फ्री होगा। आप अपने कफील से कहीं भी जा सकते हैं और नकल कफाला फ्री करवा सकते हैं। जैसा कि पहले पैसे लगते थे नकल कफाला करने के ऊपर, तो अभी कुछ भी नहीं लगेगा। सबसे पहले बात करेंगे जी नकल कफाले की। तो नकल कफाले के मतलब भाई मैं आपको अपडेट यहां पर कन्फर्म दे दूं, वो ये है जी, मैंने अपनी आंखों से अभी ये लेटेस्ट न्यूज है जी, मैंने अपनी आंखों से ये वाकया देखा है। होता है कहीं से भाई आदमी ने सुना हो, ये बात नहीं है कि एक बंदे ने दूसरी कंपनी में भाई नकल कफाला करवाया है तो 2000 रियाल उसका भाई खर्चा हुआ है। और कन्फर्म बात है, कोई किसी किस्म की झूठ वाली बात नहीं है। अभी तक नकल कफाला जैसे कि पहले प्राइस लग रहे थे 1500 से 2000 के दरमियान, तो अभी भी ऐसे ही है। इसमें कोई किसी किस्म की रायत वगैरह या छूट वगैरह अभी तक नहीं हुई है। अभी चलते हैं जी इकामे की तरफ। क्या भाई क्या इकामे की फीस माफ कर दी जाएगी या ये 2 इकामे हैं, 1 की माफ की जा रही है? आपके पास इकामा मौजूद है तो भाई, अगर नहीं भी है तो आप पैसे देकर इकामा वहां से अपने रिन्यू करवा कर इकामा आपको बनाकर भी दे दिया जाएगा। ऐसी बहुत सी खबरें टिकटॉक पर वायरल हो रही हैं और आप भाई सुन रहे हैं, एक से दूसरे आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं कि भाई ये एक अच्छी न्यूज आ रही है। तो इसके मतलब मैं यहां पर जवादात की तरफ से और दूसरा आपको मैं दिखा रहा हूँ निजामुल अमल की तरफ से, दोनों इनके ट्विटर पर पेज हैं, आप इनका विजिट भी खुद भी कर सकते हैं। यहां पर कोई किसी किस्म की कन्फर्म न्यूज अभी तक इकामे के मुतल्लक कोई भी न्यूज नहीं दी गई है। हाँ, अलबत्ता जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, इकामा अभी एक बंदा रिन्यू करवा के आया जी और वो बोल रहा था कि मेरा 12000 रियाल लगा है जी। मैं उसको बोल रहा था यार कि 12000 रियाल आपका ज्यादा नहीं लगा है? तो वो मुझको बोल रहा था कि जी 12000 मेरा ऐसे लग गया कि मेरा इकामा खत्म हुआ था, 3-4 माह हो चुके थे खत्म हुए और मुझे एक दफा शुरतों ने भी पकड़ लिया था। वो ग्रामा और इकामा एक्सपायर का भी शायद 500 रियाल जुर्माना होता है। तो ये दोनों मिलाकर ऐसे मैंने अपनी इंश्योरेंस वगैरह पहले, वो आपको पता ही तमीम वगैरह पहले करते हैं, उसके बाद ही इकामा रिन्यू किया जाता है। तो 12000 रियाल वो बोल रहा था टोटल मेरा खर्चा हुआ है अभी 1 साल का इकामा तजदीद करने पर। ये कन्फर्म न्यूज है जी। आप जैसे कि आप सुन रहे हैं जी कि आधी फीस होगी या नुस फीस होगी या माफ हो रही है, 2 इकामों में से 1 की माफ हो रही है, ये फेक न्यूज है जी। वजारते आपने मैंने आपको पेज दिखा दी है निजामुल अमल, और आप देख रहे हैं जी दूसरा जवाजात के पेज चेक कर सकते हैं, वहां पर इकामे के मतलब कोई भी कन्फर्म न्यूज अभी तक इसके मतलब कोई भी न्यूज नहीं आई है इसकी फीस के मतलब। जैसे ही कोई कन्फर्म न्यूज आएगी वो आप भाइयों के साथ मैं तफसील से शेयर करूंगा सऊदी अरब के मतलब। और कोई भी न्यूज जाननी हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।